नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। उल्हासनगर शहर में गुनाह का स्तर तो बढ़ा हुआ है, लेकिन अब गुनाह को सोच समझकर अंजाम भी दिया जा रहा है। उल्हासनगर कैंप क्रमांक 5 में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें वरुण साई नाम के युवक पर जानलेवा हमले की घटना हुई और ये खबर सभी न्यूज चैनल में चली। और जब इस मामले को पुलिस में दर्ज किया गया, तब पुलिस ने छानबीन की तो चौंका देने वाली खबर सामने आई, जिसमें शिकायतकर्ता ही आरोपी निकला। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए सुनते हैं। कल रात 10:30 बजे वरुण दिलीप लुल्ला नाम का लड़का है, जो धंधा करता है, मेनबत्ती वाला है, मंदिर पुजारी है और कैलाश कॉलोनी के पास उधर रहता है वो, तो उसने कंप्लेंट किया था 10:30 बजे पुलिस चौकी में आके कि उसको दो लोगों ने मास्क बिस्क लगा के दो लोगों ने मारा है, हथियारों से मारा है। तो उसका कंप्लेंट लिया था। कंप्लेंट लेने के बाद और उसके बदन के इंजुरीज देखने के बाद एकदम सादी इंजुरी थी और ब्लेड ने किया ऐसी इंजुरी थी। और वो इंजुरी का जो उसके बदन की इंजुरी जो देखी थी, तो खुद ने हाथ से करके लिया हुआ इंजुरी जैसे रहता है वैसे थी। तो ये डाउट आया था हमको, इसीलिए उसके साथ जो उसने बताया था, जो दोस्त उसका दोस्त है संदीप श्रावण कस्बे करके, उसने उसके दोस्त का नाम बताया था। तो उसके दोस्त को ला के उससे थोड़ा डिटेल इंक्वायरी करके उसको विश्वास में लेके उसके साथ इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि ये जो इसमें कंप्लेनेंट है वरुण लुल्ला करके, ये कंप्लेनेंट ने खुद से अपने हाथ से ब्लेड पे पीठ पे मारा है और बाद में पोट अपने आगे सामने पोट पे मारा, पेट पे मारा है, फिर पीठ पे मारा है। ये दो इंजरी उसको हो गई है और उसने वो साक्षीदार जो गुन्ने का साक्षीदार जो बोल रहा था, वो साक्षीदार ने जो बताया, तो फिर वो सामने आया कि ये बात सामने आई कि इसने खुद मार के लिया है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फिरियादी को भी बुलाया और फिरियादी को भी पूछा कि ये ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है कि मुझे फ्रस्ट्रेशन आया था, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने मार लिया है, ऐसा उसने अभी बताया है। अब इसने जो ये साजिश रची थी, तो इसके ऊपर अभी क्या कार्रवाई होगी साहब? इसने पुलिस को गुमराह किया है और खुद की खोटी कंप्लेंट दे दी है, तो उसको इसी गुने में हमने आरोपी करके हम अरेस्ट कर रहे हैं। और इसमें इसने खोटी कंप्लेंट दी, पुलिस का टाइम ज़ाया किया, तो इसके लिए हम IPC 182 का सेक्शन उसमें ऐड करके उसको कल कोर्ट में हाजिर कर देंगे। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।